व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ब्लॉक वन पहले ख़त्म हो चुका है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक टू। ब्लॉक वन के मैंने लास्ट के जो एंड के डेज थे तो उसके कुछ भी यूट्यूब पे वीडियोस डाले नहीं, इट वाज ऑल ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज। एक्चुअली उस कमिंग टू द टॉपिक, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है RP5 पे। आई हैव टू चेक हाउ आई एम डूइंग ऑन माई डेडलिफ्ट्स। तो ये ब्लॉक से सिंगल्स शुरू होते हैं एंड वही देखना है कि कल RP5 पे सिंगल्स पे कितना वेट जाता है। ओके, सो आई एम यूजिंग अ पेन किलर ऑयल राइट नाउ एंड दिस इज फॉर माई रिकवरी। Whenever I feel like if my muscles are sore or हल्का सा tightness, हल्का सा soreness or whatever it is, my muscles that is not making me feel up to the mark basically, तो I massage myself with this painkiller oil। इसका नाम मुझे नहीं पता अभी, my mom keeps ordering this, but I really want you guys to know कि अगर आपके पास painkiller oil नहीं है तो आप प्लीज़ उसको ऑर्डर कर लो या कहीं मेडिकल से ख़रीद लो, ये मेडिकल में मिलता है। कंपनी डजेंट मैटर एज फार एज यू हैव द पेन किलर ऑयल, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। पेन किलर स्प्रे होना, बाम होना या फिर दवाइयाँ होना इज़ नॉट सफिशिएंट एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट कम्प्लीटली, तो उसकी आदत मत डालो। ये फिर भी बहुत ठीक है, इससे क्या होता है कि पेन किलर ऑयल है तो इट्स नॉट लाइक जस्ट अ नॉर्मल मसाज वाला ऑयल, तो इससे आप इसको लगा के अच्छे से फॉर 1 or 2 minutes रब इट ऑन योर सेल्फ एंड देन यू कैन गो टू स्लीप एंड यू विल एक्चुअली फील अ लिटिल डिफरेंस इन योर सेल्फ इन दैट इन योर सोर मसल्स एंड स्टफ। सो या ऑल्सो यू नो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स कि मुझे मसाज कर देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक आई राइट नाउ माई ब्रदर प्रॉमिस मी दैट ही विल मसाज मी बट देन ही इज टू टायर्ड सो ही जस्ट वेंट टू स्लीप, सो इट्स फाइन आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए अभी मैं ये खुद से अपने को अपने आप अपने ऊपर लगा रहा हूँ एंड या दैट वे एटलीस्ट अगर कोई है नहीं तो एटलीस्ट आई कैन हेल्प माई सेल्फ इन माई ओन रिकवरी। राइट, एज फार एज रिकवरी इज कंसिडर, पेन किलर ऑयल आपके घर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डायरेक्टली सी यू गाइस इन द जिम, बाय बाय।
choppers. Better cut those wrists, call one of my fists. We fire starters, starters. I see the one I ever tell you my reach those eyes. Always had a feeling that I won't deny that one. Never been lost. Look at my eyes, I'm on the rise. Rise. Hello, so workout done. Bar की जो height है मैंने वो basically competition level पर maintain करी है, which means कि the bar height in deadlifts it comes around at my mid shin level. So इसीलिए I will be continuing that throughout this block. मतलब 4 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी होगा वो ये ऐसे कंटिन्यू करूँगा. एंड या सो व्हाट दैट विल डू इज़ कि पहले मैं क्या करता था, मैं डेफिसिट प्लेट्स ट्रेन करता हूँ, विच मीन्स कि द बार इज़ अ लिटिल लो, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है. एंड आई थिंक दैट इट इज़ हेल्पिंग मी, विच इट इज़, बट कैसा है कि राइट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू एड दैट डिफिकल्टी लेवल हियर, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई गेट ऑल माई वन रैप मैक्सेज एट आर पी 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हो एट द सेम लेवल, सो दैट आई कैन गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेर आई स्टैंड. सो या दैट इज़ दैट. सो यू सॉ द टुडे सेशन एंड मेन सेट वॉज रियली रियली ग्रेट, लाइक द स्पीड वॉज देयर, ऐसा नहीं लगा कि वो स्लो था, इट वॉज गुड. सो या आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ, सो इट्स ग्रेट. एंड एक्सेसरीज में भी बहुत मज़ा आया और अच्छा फील लेके किया. पुलअप्स, वेटेड पुलअप्स वाज गुड, लैट पुल डाउन्स ऑल्सो. लास्ट में आई ट्रेन आर्म्स, आई डिडंट शो दैट बट आई डिड ट्रेन आर्म्स, तो पंप वाज रियली ग्रेट. ऑल्सो पिछले कुछ दिनों से आई हैड पेन ऑन माय फोरआर्म ओवर हियर दिस मसल, बट नाउ इट्स नॉट पेनिंग, विच मीन्स कि जो कल रात को जो ऑयल लगाया था इट इज़ वर्किंग. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, तो रिकवरी अच्छी हो रही है. सो